भाइयों और बहनों, 70 सालों तक नेहरू ने आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब से वंचित रखा, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है हमने आपको लाइक भी दिया है, शेयर भी दिया है, सब्सक्राइब भी दिया है। अब आप कमेंट कीजिए भाइयों और बहनों, ऑपोजिशन पे करिए, उनसे सवाल करिए। चलिए पुदुचेरी को वणक्कम। देखिए, मैं बिल्कुल आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर 10,000 हैं और आप लोग टोटल 21। मैं कह रहा हूँ लड़ाई हमसे करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान लड़ाई नहीं चाहता, पाकिस्तान से चूतिया पछाता। इमरान, आज मेरी वर्दी भी केसरी, जो बहेगा वो लहू भी केसरी, और मेरा जवाब भी केसरी। तो बोलो जुबान केसरी, दाले ताले में केसर का दम। मित्रों, भाई और बहनों, अरे इससे ज्यादा अच्छे एक्टिंग तो मैं रोज करके फेंक देता हूँ। चलिए निकलिए यहाँ से, गेट आउट यू विवेक, वरना मैं सलमान को बुला दूंगा। देखिए, मैं और मसूद भाई फिर से हिंदुस्तान से दरख्वास्त करते कि आप लोग बिल्कुल मुतमईन रहिए कि हमें सिर्फ चूतियागिरी करनी, हमने जंग नहीं करनी है। हे माँ माता जी, तो भोसड़ी के बंदूक लेकर यहाँ मरने को आया है क्या? हे मरने है तो चल। वॉचमैन अमित, मेरा मतलब है चौकीदार अमित, मुझे बात करने दो। पाकिस्तानी अब बात कान खोल कर सुन ले कि यह नया हिंदुस्तान है, यहाँ पर हम घुस के घर में मारेंगे। इमरान भाई, मैं पहले से कह रहा हूँ ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले, मैं कहता हूँ इन लोगों को एक बार लड़के देख लेने दो। हम सुबह का डिनर लाहौर में करेंगे, दोपहर का लंच कश्मीर में और डिनर दिल्ली में कर लेंगे। चल झूठा, तुम्हारे जैसे भूखे नंगे लोग हमेशा खाने की ही बात करते हो। तुम लोग चुपचाप वापस चले जाओ, वरना मैं हर एक पाकिस्तानी के अकाउंट में 15 लाख रुपए मुफ्त में भर दूंगा। रवीना की माँ, मैं आ रहा हूँ। अरे नरेंद्र मोदी, आप कमाल कर रहे हैं, इतनी बड़ी रकम नहीं बोलनी चाहिए, हमारे बंदे सुन के मर जाते। आप मुझे 15 लाख सिर्फ मुझे दो, हमारा पूरा मुल्क उसमें एडजस्ट कर लिया। अरे घंटा, जिन्होंने 15 लाख सुनकर मुझे वोट दिया मैंने आज तक उनको नहीं दिया, तुमको तो बस मैं सुना सुना के मारूंगा। तो फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ चौकीदार मोदी जी कि अब हम क्या करें, हिंदू क्या कर सकता है, हिंदू केवल 21 है। मैं कागज लेके, अरे भैया इसे थोड़ी छोड़ेंगे, अरे बैठ मौलाना बैठ। अरे इसको छुप करो, हे भोसड़ी ना यहाँ आइयो, बैठ इधर। तुम्हारे टीवी की डिबेट नहीं चलती है, फालतू आदमी, सच्ची की लड़ाई होती है, जाके टीवी पर लड़ो। मोटा भाई, आप बताओ ना क्या करें। जेटली जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछ लूं? मैं आपसे पूछता हूँ जेटली जी, पूछ लूं कि नहीं पूछ लूं? आप सीधा सीधा सवाल करिए, इतना पूछने का अनाउंसमेंट क्यों कर रहे हैं? You can ask me anything that you want, like directly. आपके पास गोलियां कितनी हैं? बस शाम तक की बची हैं मोटा भाई। अरे मैं आपके जुलाब की गोलियों के बारे में नहीं बात कर रहा, अरे गोली बंदूक की कितनी बची है? That one I'm checking, I'm telling you, I don't have any, एक भी नहीं है। अरे अमित, ये आडवाणी जी हाथ में लेकर क्या खड़े हैं? अरे मोटा भाई, टिकट मांगते थे तो मैंने इनको बस की टिकट दे दी, अभी इतना जिद्दी आदमी है, बोलता है एरिया में बस नहीं चलती है तो मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं क्या? अरे आडवाणी जी, आप में और ब्रह्म जी की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, माफ करो और जंग की तैयारी की जाए। वेल इमरान भाई, हम यहाँ पे जंग करने आए और आप इधर बैठ के टमाटर खा रहे। तौबा तौबा का मकाम है मसूद भाई, मैं कह रहा हूँ देखिए, जंग अपनी जगह और टेस्ट जो होता है वो अपनी जगह। ये हिंदुस्तान के लोग टमाटर बंद कर देते हैं, इसलिए मैं पहली जी भर के खा ले रहा हूँ। इमरान भाई, आप कैसी गू कर रहे हैं, मेरा मतलब कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं? हम 21,000 लोग हैं और बांकिले में सिर्फ 21 लोग बैठे हुए हैं। हम सुबह कब्जा करेंगे
और सारे टमाटर खा जाएंगे। अल्लाह तुम दोनों कबीज कैसे बात करता यार, हम इधर सब को मिटाने आया, सब लोग तैयार रहो, सुबह हम उस किले पे रहेंगे। भाई देख ले यार, मैं भाई मेरी तो बाइया थड़क रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उससे पहले ना कुछ हो जाए, खुदा ना खास्ता हो जाए। यार कमाल बात है, आजकल की तो जींस आती है और पाकिस्तान का जो पीएम है, दोनों के हालात एक जैसे है, फटे फटे से हर साइड से। हम पर भरोसा रखो भाई, हम भी कुछ हैं। मादी कुछ है, आप लोगों पे भरोसा क्यों होता? 1971 में क्या हुआ, उसके बाद सरेंडर करके चले आए। हाँ तो चले आए तो क्या हो, वो भी बहादुरी की एक निशानी होती है भाई। चुप कर जाओ, मुझे तो लगता है इस साल वर्ल्ड कप में भी वो हम लोग को गोलियों से मारेंगे। कोहली का गेम तो आपको पता ही है, ऊपर से ये धोनी है जो रिटायर नहीं हो रहा। वाला बात तो तुम ये एकदम सही कर रहे, क्रिकेट में हार नहीं बर्दाश्त, इससे अच्छा तो खुद हम पर बॉम्ब गिरा दे। ये पहले मुतमईन अभी बैठे हुआ, देखो ऊपर से टमाटर गिर रहे हैं, वो देख इतना खुश मैं, खुदा ने टमाटर गिराया, बैग तो सलीक है, वो टमाटर नहीं बॉम्ब है। अरे वो तो हमारे पास रफाल नहीं था, वरना और ज्यादा पेल देते, क्योंकि वॉचमैन चौकन, मेरा मतलब है चौकीदार चौकन्ना है। अरे तो फिर वो रफाल का पेपर कैसे चोरी हुआ? कौन बोला? अरे मैंने कहा कौन बोला, जरा टॉर्च मार बे अमित, जरा टॉर्च मार, ले कोपचे में दे दो तीन खपा खप।